ज्यादातर माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि तू इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगा, लेकिन कृषि का एक ऑप्शन कोई नहीं देता है। खेती करना मेरी कोई इच्छा नहीं है, ख्वाहिश है। नमस्कार, पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूं। अच्छा, वैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धान का एक बीज और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं। जैसे कि अगर हम एक अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो 100 गुना ज्यादा फसल देता है। ज्यादातर माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि तू इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगा, लेकिन कृषि का एक ऑप्शन कोई नहीं देता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि तू इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा या किसान बनेगा। मैंने तुरंत बोल दिया कि मैं किसान बनूंगा और इस काम में मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे चुप, सुनो। ऋषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा बोल बोल कर लोगों ने उसे अपने पीछे छुपा लिया है और हम इससे अनजान जी रहे हैं। कुछ लोग इस बात को समझकर आईटी का काम छोड़कर खेती करने आते हैं तो उन लोगों को आम जनता पागल के नाम से बुलाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कृषि करने वालों को अपनी बेटी नहीं देने की प्रतिक्रिया रखते हैं। अच्छा। विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा है। यहाँ किसी को खेती नहीं करनी है, जो अनपढ़ है वही खेती का काम करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं सिर्फ किसान और कृषि की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मिथेन निकाल रहा हूँ, इथेन निकाल रहा हूँ, पिथेन निकाल रहा हूँ। किसान और कृषि को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है। अमीर लोगों का डाइट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग अलग हैं। जब आप ये समझोगे उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चावल खिलाना ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध होता है। जनता, सरकार और वैज्ञानिक, ये सारे लोग जब एक हो जाएंगे ना तो ही अपने देश का भला होगा। जिस दिन नौजवान लोग कृषि और राजनीति को जब प्रोफेशन समझेंगे तब भारत शक्तिशाली बनेगा। हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट मार्केट होना चाहिए, तभी किसानों की आत्महत्या कम होगी। और वैसे भी किसानों को भला क्यों मरना चाहिए? अरे इतने बेशरम लोग जब जिंदा हैं तो हम क्यों मरे? इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ भगवान नहीं है, अनाज उपजाने वाला भी भगवान है। अरे हम किसान हैं, ये बात गर्व से कॉलर उठा कर कहनी चाहिए। क्या बात है। देखो बच्चों, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए या वकील बनिए, चाहो तो आप राजनीति में भी जाइए, लेकिन साथ में खेती भी कीजिए। मेरा तो मानना है कि अगले ओलंपिक में आप कितने मेडल लाने वाले हों, इससे ज्यादा अगली पीढ़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं, ये बात बहुत जरूरी है और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है। मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बोला है, कोई किसी के सामने हाथ ना फैला इसलिए बोल रहा हूँ। भविष्य में किसान बनने वालों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए धन्यवाद।